अगर हिंदुस्तान की अजीम तरीन अदाकाराओं का तज़किरा किया जाए तो एक नाम यकीनी तौर पर नौतन का लेना पड़ेगा। इस बेमिसाल अदाकारा ने मुश्किल और गैर रिवायती किरदार अदा किए और पूरे हिंदुस्तान में अपने फन की धाक जमा दी। 4 जून 1936 को मुंबई में पैदा होने वाली नौतन का असली नाम नौतन समरथ था। अदाकारी का फन वरासत में मिला। उनकी मां शोभना समरथ जानी मानी फिल्म अदाकारा थी। घर में फिल्मी माहौल होने की वजह से नौतन अक्सर अपनी मां के साथ शूटिंग देखने जाया करती थी। इस वजह से उनका रुझान भी फिल्मों की तरफ हवा और वो भी अदाकारा बनने के ख्वाब देखने लगी। नौतन ने बतौर चाइल्ड स्टार फिल्म नल दमयंती से अपने फिल्मी करियर का आगाज किया। इस दरमियान नौतन ने ऑल इंडिया ब्यूटी मुकाबला में हिस्सा लिया, जिसमें वो सरफहरस्त रही, लेकिन बॉलीवुड के किसी तख्लीकार की तवज्जो उनकी तरफ नहीं गई। इन्हें 1950 में आई फिल्म हमारी बेटी में अदाकारी करने का मौका मिला, जिसकी हिदायतकार उनकी मां शोभना समरथ थी। नौतन ने अपनी फितरी अदाकारी सादगी और मकालिमों की अदायगी से फिल्म देखने वालों को जिस तरह मुतासिर किया, वो अपनी मिसाल आप है। इन्होंने हम लोग, शशम, नगीना और शबाब जैसी कुछ फिल्मों में अदाकारी की, लेकिन उन फिल्मों से वो कोई खास पहचान नहीं बना सकी। 1995 में आई फिल्म सीमा में नौतन ने मनफी किरदार अदा किया। फिल्म में अदाकारी के लिए नौतन को अपने फिल्मी करियर का बेहतरीन फिल्म अदाकारा का अवार्ड भी मिला। इस दरमियान नौतन ने देवानंद के साथ पेइंग गेस्ट और तेरे घर के सामने में मामूली किरदार अदा करके अपनी सलाहियत का मुजाहिरा किया। 1958 में आई फिल्म सोने की चिड़िया के हिट होने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में नौतन के नाम के डंके बजने लगे और बाद में एक के बाद एक मुश्किल किरदार अदा करके इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शनाख्त कायम की। 1958 में आई फिल्म दिल्ली का ठग में नौतन ने स्विमिंग कास्ट्यूम पहनकर उस वक्त के मुआशरा को हैरान कर दिया। फिल्म बारिश में नौतन ने बोल्ड मनाजिर दिए, जिसके लिए उनकी काफी तनकीद भी हुई, लेकिन बाद में वमल राय की फिल्म सजादा और बंदनी में नौतन ने जज्बाती अदाकारी करके अपनी बुलेट अदाकारा की छवि को तब्दील कर दिया। 1959 में आई फिल्म सजादा नौतन के फिल्मी करियर के लिए सनगे मैल साबित हुई। उसके साथ ही फिल्म में अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए वो अपने फिल्मी करियर में दूसरी बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजी गई। 1963 में आई फिल्म बंदनी हिंदुस्तानी सिनेमा में हमेशा याद की जाएगी। फिल्म में नौतन की अदाकारी को देखकर ऐसा महसूस हुआ कि सिर्फ उनका चेहरा ही नहीं बल्कि हाथ पैर की उंगलियां भी अदाकारी कर सकती हैं। इस फिल्म में अदाकारी के लिए नौतन को एक बार फिर बेहतरीन अदाकारा का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। सजादा, बंदनी और दिल ने फिर याद किया जैसी फिल्मों की कामयाबी के बाद नौतन ट्रेजेडी को इनकहिलाई जाने लगी। अब इन पर ये इल्जाम आयद होने लगा कि वो सिर्फ दर्द भरे किरदार अदा कर सकती हैं, लेकिन छली या और सूरत जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी से नौतन ने अपने नाकदीन का मुंह एक बार फिर से बंद कर दिया। 1965 से 1969 तक नौतन ने जुनूबी हिंद के फिल्मसाजों की फिल्मों के लिए इसमें गोरी, मेहरबान, खानदान, मिलन और भाई बहन जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। 1968 में आई फिल्म सरस्वती चंद्र की कामयाबी के बाद नौतन फिल्म इंडस्ट्री की नंबर एक अदाकारा कही जाने लगी। 1973 में फिल्म सौदागर में नौतन ने एक बार फिर अपनी बेहतरीन अदाकारी का मुजाहिरा किया। नौतन ने अपने फिल्मी करियर में उस दूर के सभी बड़े अदाकारों के साथ अदाकारी की। राज कपूर के साथ फिल्म अनाड़ी में भोला भाला प्यार हो, या फिर अशोक कुमार के साथ फिल्म बंदनी में संजीदा अदाकारी, या फिर फिल्म पेइंग गेस्ट में देवानंद के साथ रुमानी किरदार हो, नौतन हर अदाकार के साथ उन्हीं के रंग में रंग जाती थी। उसी की दुहाई में नौतन ने फिल्मों में मां के किरदार अदा करना शुरू किए। इन फिल्मों में मेरी जंग, नाम और कर्मा जी से काबिल जिक्र फिल्में हैं। फिल्म मेरी जंग के लिए अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए नौतन बेहतरीन मुआविन अदाकारा के इनाम से नवाजी गई। फिल्म कर्मा में नौतन ने दिलीप कुमार के साथ काम किया। इस फिल्म में नौतन पर फिल्माया ये गाना।
दिल दिया है जब भी देंगे है वतन तेरे लिए, नाजरीन में काफी मकबूल हुआ। नौतन की सलाहियत सिर्फ अदाकारी तक ही महदूद नहीं थी, वो नगमे और गजल कहने में भी काफी दिलचस्पी लिया करती थी। हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में बतौर बेहतरीन अदाकारा सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड हासिल करने का रिकॉर्ड नौतन के नाम दर्ज है। नौतन अपनी फिल्मी करियर में 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजी गई। तकरीबन 4 दुहाई तक अपनी बेहतरीन अदाकारी से नाजरीन के दरमियान खास शनाख्त कायम करने वाली ये अदाकारा 21 फरवरी 1991 को इस दुनिया को अलविदा कह गईं।